लोग का सामने मैं जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो है वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर के बीच में डिफरेंस क्या है। एज वी नो ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR। हियर V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। तो ये तीनों के बीच में अंतर समझना है, वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर, ये तीनों का बीच में अंतर समझना है। हम लोग को सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो है व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। दैट मींस इसको मैं और एक तरीके से समझा बोलने का कोशिश करूं तो ये मैं बोल सकता हूं, ये जो लाल कलर का जो बूंदी आपको दिख रहा है इट इज अ पॉजिटिव, सपोज वी आर कंसीडरिंग इट एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को जिस वर्क डन के जरिए मैं एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक भेज सकता हूँ इसको बोला जाता है वोल्टेज। तो ये इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग का पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर बेसिकली क्या है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। जब मैं सर्किट में इसको कनेक्ट करूंगा तो ये रेजिस्टेंस के साथ हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ये बेसिकली वोल्ट को मेजर करता है और इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है, वी से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, दैट मींस उस सर्किट में मैं वोल्ट मीटर को रिप्लेस कर सकता हूं एक हाई रेजिस्टेंस का थ्रू। इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इट नीड्स, जब इस वोल्टमीटर को मैं सर्किट में कनेक्ट करूंगा या करना चाहूंगा तो मुझे सर्किट को डिसकनेक्ट ना भी करूं तो भी चलेगा। और एज वी नो V इज इक्वल टू IR, दैट मींस मैं सर्किट में जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई करूंगा मुझे वहां पर करंट मिलेगा। उस करंट को मैं कैसे मेजर करूंगा, उस करंट को मेजर करना है तो मुझे जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है वो है एमीटर। ये जो आपका स्क्रीन में जिस आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज एमीटर। एमीटर इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे यहां पर आप देखिए रेजिस्टेंस के बाद वोल्टेज को मैं पैरेलली कनेक्ट किया, पर एमीटर को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड वन, इसके जरिए मैं छोटा या बड़ा करंट को मेजर कर सकता हूं। तो यहां पर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और एम्पियर करंट को मैं मेजर कर सकता हूं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमीटर इज लाइक दिस वे, ए इन अ सर्कल। और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है बहुत ही कम, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वेरी लो। इट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बीच में पॉइंट डिफरेंस समझना है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट ये ओनली मेजर करता है करंट को। कोई सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उस चीज को समझने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। और एमीटर को जब मैं सर्किट में ज्वाइन करना चाहता हूं तो इस चीज को सर्किट को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। और यहां पर और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एमिटर है ये मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर मैंडेटरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर भी चल सकता है और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो भी चल सकता है। और इट इज लेस सेंसिटिव इन कंपैरिजन टू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का हिसाब कंपैरिजन में ये लेस सेंसिटिव है। इसके बाद जो सबसे डाउटफुल केस है वो है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट को बीच में रहता है और मेरा मेन टारगेट है ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इस चीज को आपको समझाना। बेसिकली ये जो एमीटर है, एमीटर आपको करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर ये बेसिकली करंट का स्ट्रेंथ को कितना ताकतवर करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है उस चीज को समझाने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ पर एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यानी एक मैग्नेट रहता है।
मैग्नेट का अंदर एक कॉयल रहता है और कॉयल में एक नीडल सस्पेंडेड कंडीशन में रखा जाता है। जैसे ही और ये जो कॉयल का साथ ये जो नीडल है पॉइंटर है ये स्प्रिट के थ्रू कनेक्टेड होता है और यहाँ पर एक स्केल होता है। ये स्केल में देखिए यहाँ पर जैसे एक स्केल है वेल कैलिब्रेटेड स्केल है लेकिन यहाँ पर कोई कैलिब्रेटेड स्केल नहीं है। यहाँ पर ये डिवीजन दिखा रहा है बट इट इज नॉट फॉर द मेजरमेंट पर्पस, इट इज फॉर द स्ट्रेंथ पर्पस। इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। तो गैल्वेनोमीटर का स्पेशलिटी क्या क्या है? इट इज बेसिकली यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ स्मॉल करंट। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यही चीज को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। इट हैज डिवीजन विदाउट कैलिब्रेशन। ये जो डिवीजन है दीज आर नॉट वेल कैलिब्रेटेड, ये परफेक्ट नहीं है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज जी और एरो। बेसिकली इस टाइप से आपको सर्किट में गैल्वेनोमीटर को शो करना है तो जी या एरो का थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका भी लो है। इट इज यूज टू मेजर द स्मॉल करंट। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज हमेशा ये स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और लार्ज करंट या स्मॉल करंट एमीटर दोनों चीज को मेजर कर सकता है। ये एमीटर का कंपैरिजन में भी ये मोर सेंसिटिव है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इट रिक्वायर्स मैग्नेटिक फील्ड। गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वर्किंग प्रिंसिपल इसका अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड छुपा हुआ है। इस चीज को मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा। इस स्लाइड में मैं आपको ये समझने का कोशिश कर रहा हूँ ये गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। ये गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल करंट। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल विथ मेनी टर्न्स मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैविंग थिन क्रॉस सेक्शन। द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू। ये बेसिकली ये जो गैल्वेनोमीटर है गैल्वेनोमीटर के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जैसे ये वो नॉर्थ पोल है साउथ पोल इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये आपको मालूम ही है। इसके बाद ये जो आपको क्रॉस सेक्शनल जो चौक टाइप का जो टाइप का जो आपको एक शेप दिख रहा है इसका अंदर कॉपर वायर वुड किया हुआ है और इसका अंदर एक सिलिंड्रिकल टाइप का एक मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। बेसिकली इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ पर ये दोनों डायग्राम को साइड बाय साइड देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये जो दोनों मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपको दिखा दिया इसका अंदर एक कॉयल रखा हुआ है और ये कॉयल का साथ ये जो नीडल है ये नीडल इसका साथ कनेक्टेड रहेगा और इसका अंदर जैसे मैं करंट फ्लो करूंगा तो ये जो स्प्रिंग है ये जो कॉयल है ये कॉयल घूमते रहेंगे और ये जैसे ही डिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ से ये जो स्प्रिंग का थ्रू ये जो नीडल कनेक्टेड है ये इसका अंदर डिफ्लेक्शन करेंगे और जैसे ही मैं करंट का फ्लो चेंज करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये जो पॉइंटर है इट विल कम टू द लेफ्ट साइड और जैसे मैं इसका कनेक्शन चेंज करूंगा द पॉइंटर गोज टू द राइट साइड। इस टाइप से करंट कौन सा साइड से किस टाइप से कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है इस चीज को समझने के लिए गैल्वेनोमीटर का जरूरत है। तो गैल्वी में नॉर्मल वर्ड में क्या बोल सकता हूँ इन अदर वर्ड्स द नॉर्मल ड्रॉन टू द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द हॉर्सकोप मैग्नेट्स। यानी ये दोनों मैग्नेट जिस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करके ये रोटेट होगा और ये जैसे ही रोटेट होगा ये रोटेट होने का साथ साथ ये नीडल्स मेरा जो इसका साथ जो फिक्स किया ये भी रोटेट करेंगे। इसके जरिए मैं करंट का जो बहुत ही फीबल करंट मेरी माइक्रो एम्पियर करंट का जो है फीबल करंट का भी मैं डायरेक्शन इसका थ्रू समझ सकता हूँ। तो ये है बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। थैंक यू वेरी मच। और आपको इस वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।